हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट विद अनन्या। और आज हम बनाएंगे होली स्पेशल रंगों को रखने के लिए एक सुंदर सी डेकोरेशन चीज़। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये कार्डबोर्ड पीस ले लिया है, जिसको मैंने साइड से कट किया है। सिर्फ पूरा गोल नहीं कट किया है मैंने, साइड से हाफ ऑफ कट कर लिया है। और इसके ऊपर अब मैंने यहाँ पर वाइट कलर का पेपर पेस्ट कर दिया है। और अब मैंने यहाँ पर एक पॉलीथीन ले ली है, या आप कैसी भी पॉलीथीन ले सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर कलरफुल स्केच कलर्स कुछ इस तरह के फॉर्म में करूँगी। आप यहाँ पे कोई भी अपने मनपसंद कलर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सारे कलर्स यूज़ कर रही हूँ, और एक होली की जो थीम है, जैसे होली में सारे कलर्स उड़ते हैं, उस तरह के एक थीम में यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए, मैं सारे कलर्स को इस तरह से पूरे पर फैला दूँगी। और ये हमारी ये जो रंग हैं, गुलाल हैं, जब हम सबको लगाते हैं तो उसको रखने के लिए मैंने यहाँ पर ये एक रखने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है। और आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और यहाँ पर देखिए, अब ये मैंने ऑरेंज, ग्रीन, लाइट ग्रीन, रेड, पिंक, बहुत सारे कलर्स आपको यहाँ पर इस तरह से कर देने हैं। अब मैंने ये कर दिया है। अब मैंने एक कप में वाटर ले लिया है, और वाटर से इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ। वाटर को इसे अच्छे से स्प्रिंकल कर लेना है। ये स्प्रिंकल करना इसका मेन पार्ट है। और अब हम अपनी पॉलीथीन को उल्टा कर लेंगे, और जो वाइट पेपर है उसके ऊपर रख कर अच्छे से प्रेस कर देंगे। अच्छे से प्रेस करना है, क्योंकि प्रेस नहीं करेंगे तो हमारा कलर वाइट पेपर पर नहीं जाएगा। तो इसे इस तरह से अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप सोचें तो ये प्रेस करने से ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये प्रेस करने से ख़राब नहीं होगा, ये और सुंदर हो जाता है। और ये देखिए, अब हम अपनी पॉलीथीन को हटा लेते हैं। अब मैंने यहाँ पर 4 पीसेस ले लिए हैं कार्डबोर्ड के, और ये इक्वल साइज़ के हैं, बिल्कुल इक्वल साइज़ के ले लेने हैं आपको। और ये जो 2 कलर हैं, स्काई ब्लू एंड येलो, इन दोनों कलर से इन दोनों को हम पेपर को कवर कर देंगे। येलो वाला मुझे थोड़ा सा ख़राब लग रहा था पेस्ट होने के बाद, तो मैंने इसके ऊपर ना एक और लेयर पेस्ट कर दी थी। और हमें कार्डबोर्ड की स्ट्रिप के दूसरी साइड में हमें पेपर नहीं लगाना है, हमें दोनों स्ट्रिप्स को पेस्ट कर देना है आपस में। और जो साइड से जो एरिया खाली खाली है, उस जगह पर हम ये स्ट्रिप लगा देंगे। तो ये देखिए, मुझे ये ना एक स्ट्रिप थोड़ी पतली लग रही थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर डबल कार्डबोर्ड की स्ट्रिप चिपका दी है। अब देखिए, मैंने ये साइडों चारों तरफ से इसको कवर कर दिया अच्छे से। और अब हमने इनको ना इस तरह से जस्ट एल शेप में इनको पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब जो हमारा कार्डबोर्ड सर्कल शेप का जो कार्डबोर्ड पीस था, इसके ऊपर हम कुछ इस तरह से इस पीस को पेस्ट कर देंगे। उससे पहले ना, हम पहले इसमें यहाँ पर हैप्पी होली लिख देंगे ऊपर वाली पार्ट पर। और जो मैंने स्टिकर्स बनाए थे, आप चाहें तो वहाँ से जाके सीख सकते हैं किस तरह से बनाने हैं स्टिकर्स। मैंने यहाँ पर कुछ स्टिकर्स पेस्ट कर दिए हैं वही वाले इस तरह से। ये देखिए, ये एक गो शेप का था और एक रेनबो का था। अब मैंने यहाँ पर कुछ ये फ्लावर शेप ले लिए हैं, इनको भी मैं अच्छे से पेस्ट कर दूँगी साइड वाले कॉर्नर पर। अगर आपको सीखना है कि ये फ्लावर किस तरह से बनाने हैं, तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है फ्लावर्स के ऊपर। रोज़ वाले भी बना के दिखाए हूँ मैंने, और ये वाले भी बना के दिखाए हुए हैं, तो आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। अब ये देखिए, हमारे अच्छे से डेकोरेट हो गया है, और अब हम इसको अच्छे से पेस्ट कर देंगे। ये ना, ये अच्छे से पेस्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर पिंस का यूज़ किया है। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैंने दोनों तरफ ना सेफ्टी पिन लगा दी है। अब मैंने यहाँ पर ये एक लेस ले ली है, ये लेस आपको कहीं पर भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने इसकी एक लंबी सी इस तरह से स्ट्रिप काट ली है। और अब हमें जो बाउल ले लेना है, जो खाना वगैरह देते हैं ना, उसमें यूज़ होता है। अब इसके जो साइड का कॉर्नर है ना, उस पर हमें इस तरह से इस स्ट्रिप को लगा देना है। और अब मैंने बाउल में कलर भर दिया है,
जो गुलाल जो हम होली पर लगाने वाले हैं, मैंने यहाँ पर हर्बल कलर यूज़ किए हैं क्योंकि हमें होली हर्बल कलर से खेलनी चाहिए ताकि किसी को कोई नुकसान ना हो स्किन का। और ये देखिए अब हमारा ये बन के रेडी हो गया, ये कितना सुंदर लग रहा है। आप इसे होली के फेस्टिवल पर इजीली आप घर पर बना सकते हैं बहुत ही कम पैसों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी होली टू एवरीवन।